नाजरीन, उमर शरीफ ने तकरीबन 50 सालों तक शोबिज इंडस्ट्री में काम किया। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो लोगों को हंसाना जानते थे। वो कई कई घंटे बोलते थे और लोग हंसते जाते थे। जब तक उमर शरीफ बोलते रहते थे, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें रहती थी, लोग हंसते रहते थे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जब हम शदीद परेशान हुआ करते थे तो हम उमर शरीफ को देखा करते थे, उमर शरीफ की कॉमेडी को सुना करते थे तो हम अपनी परेशानी से निकल आते थे। आपको आगाह करते चले कि उमर शरीफ की तदफीन के वक्त ऐसे क्या मनाजिर थे कि लोग रो रहे थे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद थी। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और ऐसी ही अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नवीन मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के इहाते में दफन किया गया। वहां पर न सिर्फ सियासी शख्सियात, शोबिज शख्सियात बल्कि आम शख्सियात भी मौजूद थी। आम लोगों का हुजूम था। काफी तादाद में लोग उमर शरीफ के नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान भर से पहुंचे थे। आपको आगाह करते चले कि उमर शरीफ की कब्र पर जब मिट्टी डाली गई, जब उनकी तदफीन की गई, तो न सिर्फ सियासी शख्सियात, शोबिज शख्सियात बल्कि आम शख्सियात के आंखों में भी आंसू थे। लोग काफी हद तक रो रहे थे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी लोगों को हंसाया हो, कभी भी किसी को ना रुलाया हो, जाते जाते लोगों को रुला गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें।